अरे अब लोग आ गए। पता है आपको 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, वो समय पे जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट बना था, वो नेशनल इंडियन हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके सबसे पहले का और सबसे बड़ा लार्ज स्केल पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ था, जिसको हम दो टर्म में जानते हैं, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। चलिए थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिसीजन लिया था कि बंगाल को डिवाइड करेंगे, जैसे कि डिवाइड एंड रूल, ये दो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी में हम काम करेंगे। डिवाइड करने, अगर बंगाल को डिवाइड कर लेंगे ईस्ट बंगाल और यहाँ पे इंडिया के अंदर जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, तो फिर क्या हो जाता है, रिलीजन के बेस में डिवीजन हो जाता है। मुस्लिम लोग एक तरफ हो गया और इसी के साथ साथ हिंदू लोग एक तरफ हो गया। तो इसी डिवाइड एंड रूल की वजह से करने के लिए, ये जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 16th ऑफ अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन किया था। उसकी एंटी पार्टीशन मूवमेंट के हिसाब से, उसके लिए एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट बना था उनमें सबसे पहले 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कहां पे हुआ था, वो हुआ था बनारस में। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी मूवमेंट के लिए आवाज उठाई थी, रेजोल्यूशन लिया था। और उसके अब ठीक तुरंत बाद उसी साल 7th ऑफ अगस्त में कलकत्ता में एक स्पेशल मीटिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही, वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए। उसमें बॉयकॉट, ये टर्म यूज हुआ था इंग्लिश गुड को बॉयकॉट करने के लिए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये डिवाइड का जो फैसला किया था कि डिवाइड एंड रूल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो काफी हद तक सक्सेस रहा, जो हमको देखने को मिलता है बाद में 1906 में जाके, जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी जो थे वो अपनी मेजोरिटी एरिया के लिए वो ईस्ट इंडिया का डिमांड कर बैठे। और उसके साथ साथ जन्म हुआ 1906 में मुस्लिम लीग का। एंड ये जो मुस्लिम लीग जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको, इसके बारे में हम ट्रेस पाते हैं कहाँ पे, डेक्का में जो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन काउंसिल का एक मीटिंग हुआ था, उसमें डेक्का का जो महाराजा थे सलीमुल्ला, उसने बोला था कि ऐसा कुछ हमारे लिए, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी भाई बहन के लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो मुस्लिम इंटरेस्ट को हमेशा देखेगा। और दोस्तों, इसका जो एक और कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसका बाइफोटेशन हुआ दो अलग विचारधारा के लोगों में, जिसको एक को हम एक्सट्रीमिस्ट और एक को हम मॉडरेट के नाम से जानते हैं। एंड ये जो इवेंट हुआ था 1907 में, सूरत स्प्लिट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो चलिए जल्दी से पूरा चीज को एक बार समाप्त करते हैं। 1905 में पहली बार क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था, किस हिसाब से, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। उसके बाद क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, मुस्लिम लीग का जन्म हुआ 1906 में। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका भी दो पार्ट हो गया 1907 में, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। और एक चीज, 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्मेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अलग मुस्लिम इलेक्टोरेट को चुना गया था, मतलब हिंदू लोगों के लिए हिंदू इलेक्टोरेट, मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम इलेक्टोरेट। तो फाइनली हमको तो यही लगता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो बंगाल स्प्लिट करके डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी खेला था वो काफी हद तक सक्सेस रहा। एंड आपको क्या लगता है कमेंट में हमको बोलिए, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलो, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।